हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आहूजा SSB 120 मॉडल का एम्पलीफायर अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और इसका रिव्यू भी करता हूँ और साउंड चेक भी करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है और यहाँ पे अभी एम्पलीफायर को भी निकाल के दिखाऊँगा। इस एम्पलीफायर को शॉप पर भी चेक करके दिया था, लेकिन उसके बाद आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से मैं अनबॉक्सिंग और साउंड चेक करना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो मैनुअल दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हो 11 तारीख 6 मंथ 2004 में लिया है एम्पलीफायर को, लेकिन अभी तक मैं इस एम्पलीफायर का कोई वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग नहीं किया था। अभी भाड़ा ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया था। आज बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ। अभी इस बॉक्स को हटा देता हूँ, उसके बाद एम्पलीफायर को इस पन्नी से निकल के आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस एम्पलीफायर का रेट आप लोगों का लोकल मार्केट में कितना में मिलता है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे देख सकते हो एम्पलीफायर को पन्नी से करे आधे से ज्यादा निकाल चुका हूँ। और ये रहा एम्पलीफायर, कम्प्लीटली निकल दिया है और अभी आप लोगों को इसका साउंड चेक करके दिखाऊंगा। उससे पहले इसका डिटेल्स बताता हूँ क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद आप लोगों को इस एम्पलीफायर का साउंड चेक करके भी दिखाऊंगा। और अभी यहाँ पे आप लोग देख लो इस एम्पलीफायर का लुक कैसा है। ये रहा फ्रंट लुक जो सामने की तरफ है, यहाँ पे पहले की तरह है, कुछ चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे 5 सेनेल तक आप माइक चला सकते हो और 4-5 में ऑक्स चला सकते हो, 2-1-2। और यहाँ पे ऑक्स और माइक के लिए एक्स्ट्रा बटन दिया गया है स्विच। और ये रहा बेस, ट्रेवल और मास्टर। और ये रहा स्विच ऑन ऑफ, यहाँ पे लाइट होगा ऑन होने बाद, यहाँ पे आप लोग आउटपुट लेवल के लिए लाइट। और यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट DC बैटरी से चलेगा ये। यहाँ पे आपको प्लस माइनस देख के लगाना है। और ये रहा फ्यूज, 3 एम्पियर का है लाइन के लिए और 240 वोल्ट पर चलता है और 50-60 हर्ट्ज तक। और ये रहा केबल, यहाँ भी देख सकते हो 50-60 हर्ट्ज तक। और यहाँ पे एक प्लेट दिया गया है लगा हुआ जो आहूजा के ब्रांडिंग के लिए। और ये रहा XT जो ड्राइवर यूनिट होता है या फिर बॉक्स। और ये रहा नॉर्मल बॉक्स के लिए, स्पीकर के लिए और हॉर्न के लिए ड्राइवर यूनिट। और यहाँ पे ऑक्स के लिए इनपुट 2-1-2। और ये रहा लाइन आउट और प्री आउट। आप लोग ये समझना चाहते हो लाइन आउट और प्री आउट में क्या अंतर है तो कमेंट करना, मैं दूसरा वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी करता है साउंड चेक। यहाँ पे मैंने 300 वाट का एक स्पीकर वाला बॉक्स लिया है और इस एम्पलीफायर को पार कर दिया है सेट। अभी करते हैं सॉन्ग को प्ले और साउंड को बढ़ाते हैं। अभी लाइन पर कोई वोल्टेज नहीं है, करंट पर वोल्टेज नहीं है, इसलिए आप लोग देख पा रहे हो कि जो लाइटिंग है वो बहुत ही टिप टिप कर रहा था, इसलिए साउंड अच्छा नहीं हुआ ज़्यादा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसी तरह और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।